हेलो स्टूडेंट्स जय हिंद द नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम वन टू थ्री डॉट डॉट ट्वेंटी एन टू वन टू थ्री डॉट डॉट ट्वेंटी सच दैट एफ के इज ए मल्टीपल ऑफ थ्री वेन एवर के इज ए मल्टीपल ऑफ फोर के फोर एट ट्वेल्व सिक्सटीन ट्वेंटी होगा और एफ के होगा थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व फिफ्टीन एट्टीन नंबर ऑफ आन टू फंक्शंस पूछ रहा है ये फंक्शन वन टू ट्वेंटी ये फोर एट ट्वेल्व सिक्सटीन ट्वेंटी और थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व फिफ्टीन 18 इसमें फोर्टीन एलिमेंट और इसमें फिफ्टीन एलिमेंट और भी है वन टू ट्वेंटी वन टू ट्वेंटी ये डोमेन और ये कोडोमेन है फंक्शंस कैसे बन रहा है इसको देख लीजिए फाइव से सिक्स का ये फॉर्मूला होता है एन 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 पी आर आर परमुटेशन ए और बी की मैपिंग हो रही है सेट ए से सेट बी में तो बी से एन एलिमेंट और ए से आर एलिमेंट कैसे फार्मूला फॉर्मूला आ रहा है उसे भी मैं क्लियर कर दे रहा हूं जो ये फाइव एलिमेंट है फोर एट ट्वेल्व सिक्सटीन ट्वेंटी इनके इमेज थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व फिफ्टीन एटीन में से ही होंगे अब चलिए फोर से ले लेते हैं फोर का इमेज ये सिक्स में से कोई एक होगा मीन सिक्स प्रकार से एट का अब इसका कोई एक इमेज तो हो गया तो फाइव में से फाइव में से कोई एक फाइव प्रकार से ट्वेल्व का फोर में से कोई एक फोर प्रकार से सिक्सटीन का थ्री में से कोई एक थ्री प्रकार से और ट्वेंटी का जो टू एलिमेंट बचे टू में से कोई एक इमेज टू प्रकार से इस तरह ये होता है सिक्स पी फाइव और यही हो गया यन पी आर मींस ये सिक्स एलिमेंट और ये फाइव एलिमेंट अब ये फाइव का अंत में बचा है क्या इस ट्वेंटी का टू में से कोई एक मीन्स एक बच गया और फोर्टीन और तो यहां फिफ्टीन एलिमेंट बच गए और ये यहां फाइव एलिमेंट से फिफ्टीन एलिमेंट ये भी बच गए तो फिफ्टीन से फिफ्टीन के ये कुल नंबर ऑफ फंक्शन होंगे फैक्टोरियल फिफ्टीन फिफ्टीन पी फिफ्टीन होता है और सिक्स पी फाइव को फैक्टोरियल सिक्स कह सकते हैं इंटू फैक्टोरियल फिफ्टीन ये ऑप्शन ए सही है इस तरह यदि कंसेप्ट क्लियर हो रहा हो तो शेयर करते रहिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद